वो सीधे लिए चलते हैं काशी, जहां प्रियंका गांधी इस वक्त रोड शो कर रही हैं। तो ये प्रियंका गांधी का रोड शो, जहां पर देखा जा सकता है भारी मात्रा में यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। काशी से प्रियंका का शक्ति प्रदर्शन, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें काशी से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त प्रियंका गांधी काशी में मौजूद हैं और साथ ही साथ भारी भीड़ भी प्रियंका गांधी के रोड शो में देखी जा सकती है। प्रियंका गांधी के रोड शो में यहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रियंका गांधी इस वक्त काशी में मौजूद हैं और इस वक्त प्रियंका गांधी का रोड शो हो रहा है। इससे पहले प्रियंका गांधी BHU गई और वहां उन्होंने मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने रोड शो की शुरुआत की और इस वक्त काशी में प्रियंका गांधी का रोड शो हो रहा है। तो काशी में प्रियंका का शक्ति प्रदर्शन और वहीं भारी भीड़ भी देखी गई रोड शो में। लगातार इस वक्त प्रियंका गांधी का रोड शो हो रहा है और वहां पर प्रियंका गांधी के रोड शो में भारी भीड़ भी देखी जा सकती है। और रोड शो के पहले प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं कांग्रेस के, और वहीं प्रियंका गांधी का इस वक्त काशी में रोड शो हो रहा है और साथ ही साथ प्रियंका के रोड शो में भारी भीड़ भी देखी जा सकती है। और धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ काशी से लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, इस वक्त प्रियंका गांधी का रोड शो हो रहा है, किस तरीके का वहां पर माहौल है? भारी भीड़ भी जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं देखी जा सकती है। चंद मिनट हुए हैं उनका काफिला गुजरा है और काशी की जनता, यूं कहा जाए, पूरी उमड़ चुकी है और उनके स्वागत में एक स्वागत का जो एक रूपरेखा होता है कि काशी कैसे स्वागत करती है, अतिथि देवो भव का क्या अर्थ होता है, वो काशी की जनता प्रियंका को निश्चित तौर पे दिखाने का प्रयास कर रही है। जी अंशिका जी, धर्मेंद्र, जिस तरीके से भारी भीड़ देखी जा रही है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है प्रियंका गांधी को देखकर, क्या कुछ कहा जा सकता है, कितना असर पड़ेगा वाराणसी में प्रियंका गांधी का? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि प्रियंका जी जब मोदी की तरफ से गंगा का जिस तरीके से उन्होंने मार्ग चुना था और गंगा के माध्यम से काशी की जनता के साथ संवाद उन्होंने किया था और काशी की जनता के साथ फिर से जो है जनता को काशी को साधने का प्रयास किया, उसी तर्ज पे जो है प्रियंका भी इस बार कर रही है। जी अभी धर्मेंद्र, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है वाराणसी में इस रोड शो के बाद? देखिए, अभी फिलहाल में तो यहाँ से मालवीय प्रतिमा से उनकी प्रारंभ होगी और जैसे मोदी का गया था मदनपुरा और देनी होते हुए उनका प्रधानमंत्री का जो है दशाश्वमेध का था, लेकिन बोल रहे लाइव चलवा रहे हैं ना, लाइव करवा रहे हैं। उसके बाद काल भैरव काशी के कोतवाल के हाथ मत्था टेकेंगी, क्योंकि वहाँ काशी के कोतवाल का महत्व होता है, जो मत्था टेकता है उसको विजय सुनिश्चित वहाँ से होती है, और इसके बाद प्रबुद्ध जनों के साथ मुलाकात भी करेंगे, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तय किया जाएगा। जी धर्मेंद्र, इससे पहले अगर बात की जाए रोड शो के पहले, काफी हंगामा भी देखा गया प्रियंका गांधी के रोड शो शुरू होने के पहले, हंगामे को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस बात को लेकर हंगामा हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हंगामा हुआ है और यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री नमो अगेन का नारा लगाया, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक रोष हो गया और दौड़ाकर उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फेंक दिया। प्रशासन ने प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद लगातार जो है उनको घेराबंदी कर प्रशासन ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या इसके पीछे कहीं न कहीं कोई BJP षड्यंत्र तो नहीं है, रोड शो को निकालने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है,
और इसके बाद कांग्रेस जनों से भी बात की गई। कांग्रेस जनों का कहना है कि ये रोड शो में एक अवरोधक भाषण और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। बताइए ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कोई इस तरीके का भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन प्रियंका जी के रोड शो में इस तरीके का भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इस बार अगर वाराणसी की बात की जाए धर्मेंद्र, तो काफ़ी कड़ा मुकाबला है और जिस तरीके से देखा जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा है। क्या कहा जा सकता है प्रियंका गांधी के रोड शो से कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है वहाँ की जनता पर? सबसे बड़ी चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 2014 का जो ग्राफ रहा, 2014 के ग्राफ में कांग्रेस का जो है बहुत ही नाजुक, कांग्रेस की बहुत नाजुक स्थिति रही, चूंकि अरविंद केजरीवाल उस समय अगेंस्ट मोदी के बड़ा चेहरा रहा, तो इस बार लेकिन अजय राय ही है, चूंकि लोकल है और लोकल कम्युनिटी का असर बड़ा पड़ेगा, चूंकि काशी की जनता के लोकप्रिय नेता और बीजेपी के भी पूर्वीय विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार टक्कर आमने सामने की होगी और प्रियंका के रोड शो का एक जोरदार असर पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका के रोड शो में जिस तरीके से जनता उनका स्वागत की है और रोड शो चल रहा है, मोदी के ही तट पे देखा जा रहा है प्रियंका का भी रोड। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, देखा जा रहा है बिल्कुल कड़ा मुकाबला होने वाला है वाराणसी की अगर बात की जा रही है। क्या कुछ कहा जा सकता है कि 2014 के जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त जिस तरीके का देखा गया था उत्साह लोगों में, इस बार भी कांग्रेस के लिए उसी तरीके का उत्साह और लोगों में वो प्रभाव दिख रहा है? अगेंस्ट में जो अजय राय का चेहरा है वो बड़ा चेहरा माना जा रहा है, क्योंकि प्रियंका का दो बार वाराणसी में रोड शो होना और गंगा के रास्ते से और इस बार मालवीय प्रतिमा से जैसे कि प्रधानमंत्री ने किया था, तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनावी टक्कर होगी ये जोरदार होगी और प्रधानमंत्री को अजय राय का एक चैलेंज भी है। काशी की जनता अब इनको दोबारा चुनना चाहती है, अजय राय का कहना है, और कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल होगा, चूंकि प्रियंका का ये रोड शो है यही निर्भर करेगा कि किसकी सरकार होगी और जिस तरीके से बीजेपी लगातार कंपेनिंग कर रही है, 16-17, 17-18 प्रधानमंत्री का भी डोर टू डोर कार्यक्रम आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो कहीं ना कहीं रोड शो का और प्रधानमंत्री के डोर टू डोर के कार्यक्रम का असर देखा जाएगा, किस तरीके से कंपेनिंग बीजेपी कर रही है, क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कंपेनिंग करने के लिए उतर चुकी है, अमित शाह है मौजूद, सुषमा स्वराज आ रही है और इधर प्रियंका है, तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आमने सामने दोनों प्रतिद्वंदी है और एक तरीके से ये अजय राय बना मोदी है, काशी की जनता लोकल को कितना पसंद करती है, लोकल पे कितना काशी की जनता का रुझान होगा, या प्रधानमंत्री के नाम से बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री के विकास का मुद्दा लेके आते हैं। जी धर्मेंद्र, बात वाराणसी की हो रही है, क्या कुछ कहा जा सकता है कि वाराणसी के मुद्दे क्या कुछ हो सकते हैं, किस चीज़ों को लेकर जनता वोट डालेगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे अहम रहे हैं? जी धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रियंका गांधी का रोड शो हो रहा है और साथ ही साथ भारी भीड़ देखी जा रही है।